हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास हेलो सर पर। आज अपन जो है कि ज्योग्राफी की जो आपका टेस्ट हुआ है कल, उस पर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना? तो चलिए बिना किसी देरी करे बात करते हैं अपन। चलिए, आपने टेस्ट तो अच्छे से दे रखा। मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कम जो है कि टेस्ट जो है कि काउंटिंग आपकी बहुत कम है, तो थोड़ा टेस्ट दीजिए भाई। आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये टेस्ट बहुत अच्छे हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें छांटना पड़ता है चीज़ों को, तो आप टेस्ट दीजिए और उसको शेयर भी करें भाई। तो इससे कि आपका तो भला होगा ही होगा और भी लोगों का भला होगा, ठीक है ना? चलिए पहले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित पर्वतों में से अल्पाइन पर्वतीकरण के उदाहरण कौन सा था? तो ये सारे के सारे जो है कि अल्पाइन पर्वतीकरण, अल्पाइन एक्चुअली क्या है, हालांकि क्लास रहेगी मेरी पर्वत पर तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये बलित पर्वत होते हैं। कौन से पर्वत होते हैं? बलित पर्वत होते हैं। और एक सारे के सारे कैसे हैं आपके? बलित पर्वत है। हिमालय भी आपका भारत का बलित पर्वत है, रॉकी भी आपका बलित पर्वत है, एंडीज भी आपका बलित पर्वत है, ठीक है ना? और ये सारे पर्वत भी आपके कैसे हैं? आपके बलित पर्वत हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्वारों का संचलन अधिकतर किसके द्वारा निर्धारित होता है? अब ज्वार आप समझते हैं कि ज्वार मतलब कि किसी स्थल खंड, माने चलो कि यह हमारा इंडिया है, ठीक। तो यहाँ कौन सा सागर है आपका? यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे कौन सा है आपका? अरब, और यहाँ पर है आपका हिंद। ओके, यहाँ पर क्या है आपकी? बंगाल की खाड़ी, ओके, और यहाँ पे क्या है आपका? अरब, ठीक है ना? तो ज्वार का मतलब ये होता है कि जब यहाँ का पानी वाटर कहाँ प्रवेश कर जाए? यहाँ प्रवेश कर जाए। कहाँ प्रवेश कर गया माय डियर फ्रेंड? स्थल में प्रवेश कर जाए, तो इसको बोलेंगे हम ज्वार। क्या कहेंगे इसको? हम ज्वार कहेंगे, ओके। अच्छा, भाटा क्या होगा? अब आप गौर से देखिए, यदि पानी यहाँ पर प्रवेश कर रहा है तो यहाँ से तट से वह दूर हट रहा है। यहाँ से तट से क्या होगा? हल्का सा वह क्या हटेगा? दूर हटेगा। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर समुद्र का पानी क्या हो रहा है? तट से दूर हट रहा है, करेक्ट, इसको बोलेंगे हम भाटा। क्या बोलेंगे? भाटा, ठीक। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। क्या कारण है इसका? सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। और उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है तो वो होता है पृथ्वी के घूर्णन से, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, अपनी धुरी पर घूम रही है, ठीक है ना? तो ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है सूर्य और चंद्रमा के किसके कारण होती है? आकर्षण बल के कारण होती है। और साथ ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वो क्या करता होगा? जाहिर सी बात है कि वो पानी को खींच के रखता होगा। और चंद्रमा और सूर्य क्या कर रहे हैं आपके? पानी को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, और पृथ्वी क्या कर रहे हैं? उसको अपने में खींच के रखती है, करेक्ट। अच्छा, फिर लगता है आपका एक और प्रभाव होता है, वो है अपकेंद्री बल। तो अपकेंद्री बल कहाँ लगता है? आपको सबको क्लियर होगा, अपकेंद्री बल केंद्र से बाहर की तरफ लगता है, ठीक है ना? केंद्र से क्या लगता है? बाहर की तरफ लगता है। अभिकेंद्रीय कहाँ लगता है? ये सेंट्रलाइज होता है। ये कहाँ लगता है अभिकेंद्रीय बल? सेंटर की ओर लगता है, ठीक। क्लियर हुआ आपको डाटा? ठीक, तो तीन कारण क्या हुए आपके? देखो, आपको सूर्य और चंद्रमा का क्या लग रहा है? आकर्षण बल। वो उस पानी को क्या करता होगा? अपनी ओर खींचता होगा। पृथ्वी क्या करती होगी? पानी को अपनी ओर खींचती होगी, करेक्ट। और अपकेंद्रीय बल क्या कर रहा है? बाहर की तरफ फोर्स कर रहा है। अभी केंद्रीय बल क्या काम करेगा? अंदर की तरफ फोर्स करेगा। क्लियर हो गया मामला? ठीक। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और क्लियर करते हैं कि सूर्य और चंद्रमा में जो आकर्षण बल लग रहा है वो ज्यादा किसका लग रहा है? सूर्य का लग रहा है या चंद्रमा का लग रहा है? तो किसका लग रहा है आपको ध्यान रहेगा? चंद्रमा का। क्यों लग रहा है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा में से पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? वो है चंद्रमा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा या कौन से कारक पृथ्वी पर सूर्य ताप में भिन्नता का कारण बनते हैं? सूर्य ताप में किसका कारण बनते हैं? भिन्नता का कारण बनते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी होंगी। नंबर एक दे रखा था आपको ऑप्शन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, मतलब कि रोटेट जो पृथ्वी होती है,
अपने अक्ष पर, तो जाहिर सी बात है कि अब रोटेट हो रही है तो प्रकाश यहाँ 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 अलग अलग डायरेक्शन में पड़ेगा, उसकी किरणें कैसी हो जाएंगी, तिरछी होती चली जाएंगी। दूसरी बात, सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ पर तिरछी किरणें और यहाँ पर भी तिरछी किरणें, यहाँ पर लंबवत किरणें, तब भी आपको अंतर पड़ेगा। सूर्य की किरणों का झुकाव तो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा अपने को रेडिएशन, विषुवत रेखा पर मिलेगा। सबसे कम कहाँ मिलेगा, ध्रुवों पर मिलेगा। क्लियर हुआ आपको मामला? सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा सन का रेडिएशन, भूमध्य रेखा पर मिलेगा सबसे ज्यादा, करेक्ट, क्योंकि लंबवत किरणें पड़ेंगी। और आप देखें कर्क और मकर पर कैसी किरणें पड़ रही हैं आपको, तिरछी किरणें पड़ रही हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर क्या कह रहा है आपसे, दिन की लंबाई, तो जाहिर सी बात है कि यदि सूर्य जहां होगा वहां दिन की लंबाई समय अवधि ज्यादा होगी, करेक्ट। जैसे माने चलो कि सूर्य अभी कहां पर है, भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा, दिन जो होगा वो बड़ा होगा, मतलब दिन और रात यहाँ पे बराबर हो जाएंगे। अब मान के चलो कि यही सूर्य यदि आपका कर्क रेखा के सापेक्ष हो, यही सूर्य आपका मकर रेखा के सापेक्ष हो, तो दिन की अवधि कहाँ पे ज्यादा हो जाएगी फिर आपकी, कर्क रेखा पर। तो कब होती है आपको क्लियर होना चाहिए, ये होती है आपकी 21 जून को, कब होती है 21 जून को। और ये कब मामला कब बनता है आपका, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कब बनता है दिसंबर, तो 22 दिसंबर को, ठीक, तो 22 दिसंबर को मकर रेखा के सापेक्ष सीधा हो जाएगा सूरज। कर्क मकर कितनी डिग्री पर होती है ये भी आपको क्लियर होगा, कितनी डिग्री पर होती है 23.5 डिग्री पर, और 23.5 पर कौन सी होगी आपकी, मकर होगी, ठीक। अब बीच में दो बार आपका सूर्य, हालांकि सूर्य को ही हम उत्तरायण दक्षिणायन बोलते हैं, जबकि एक्चुअल में पृथ्वी घूम रही है, ये आपको पिछली क्लास में मैंने बताया था, एक्चुअली में पृथ्वी क्या हो रही है, नीचे की डायरेक्शन में भी जाती है और ऊपर की डायरेक्शन में भी जाती है, अप एंड डाउन होती है। तो एक तरफ जो है कि काफ़ी ऊपर को पृथ्वी गई अधिकतम, उसको हमने नीचे क्या बोला, मकर रेखा, और नीचे को पृथ्वी गई तो हमने क्या बोला उसको, कर्क रेखा, करेक्ट। तो बीच में कब घूमती है आपकी, ये आपका 21 मार्च, और दूसरी स्थिति कब बनती है आपकी, 23 सितंबर को। क्लियर हुआ आपको, ठीक है ना। इसको कर्क संक्रांति बोलते हैं, इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, इसको शरद विषुव बोलते हैं, इसको बसंत विषुव बोलते हैं। तो पृथ्वी के घूमने के कारण ही क्या हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में हमें क्या पड़ रहा है, अंतर पड़ रहा है। क्लियर हुआ आपको। चलिए बताओ कि क्या कारण है भाई आपके, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर भी घूमना नंबर एक चीज, पृथ्वी का अक्ष पर तो घूमना और दूसरा परिक्रमा भी है, करेक्ट। देन उसके बाद किरणों का झुकाव, झुकाव कैसे होगा, जाहिर सी बात है कि वो पूरा घूमेगी तभी होगा। दिन की लंबाई, वातावरण की पारदर्शिता और इसके स्वरूप में भूमि का विन्यास, जाहिर सी बात है यदि मान के चलो कि जो आपकी भूमि है, जो आपकी क्या है, भूमि, करेक्ट, यदि भूमि काले कलर की, किस कलर की है, ब्लैक, तो जाहिर सी बात है ऊष्मा का अवशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा। यही यदि ध्रुवों पर बात करें, पोलर पे बात करें, पोलर पे यदि आप बात करें तो क्या जमी होगी वहां पर, बर्फ, तो सूर्य के प्रकाश का क्या होगा, रिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। और रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो वो रेडिएशन ज्यादा काम यहां से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, अवशोषण हो जाएगा। तो क्लियर हुआ मामला। अच्छा यही यदि अपन वाटर की बात कर लें तो वाटर में भी क्या होगा, सूर्य की किरणें कहाँ चली जाएंगी, नीचे तक चली जाएंगी, करेक्ट। अच्छा ऊपर की सतह से काफी सारा रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा आपको। क्लियर हुआ मामला। तो सूर्य का जो स्थलखंड जो है, स्थलखंड भी आपको असर कर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, ये अपन लोगों ने पिछली क्लास में किया था, इसका आंसर कितना है आपका, नहीं गुजरती शायद। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है, ठीक, तो यहाँ पे आंसर है आपका सी, 16 देश से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, अपन लोग कर चुके थे क्लासेस में। तो उत्तरी अमेरिका में कहाँ, बहामास और मैक्सिको, ठीक,
अफ्रीका में कहाँ, मिस्र से आप स्टार्ट हो जाइए, मिश नील नदी का मुहाना याद रखिएगा, ठीक है, अफ्रीका में ऊपर की तरफ में मिलेगा अपने को, यहाँ पर मिश्र, ओके, यहीं पर नील नदी का मुहाना है आपका, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, लीबिया मिल जाएगा, ठीक है ना, या नीचे की तरफ में यहाँ पे नाइजर भी मिलेगा अपने को, अल जीजिया बड़ा सा है आपका, ठीक है, माली मिलेगा, यहाँ पे पश्चिमी सहारा भी है आपका और मारिटोनिया है, करेक्ट। एशिया में देखेंगे तो ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, यूएई और सऊदी अरब, ठीक। अब ये तो थोड़ा सा रटा पटा मामला भी हो गया क्योंकि हमें देखना तो पड़ेगा भाई, कई सारे क्वेश्चन हमारे ऐसे कर्क रेखा से आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है, भूमध्य रेखा पर अवस्थित, वो कर्क रेखा पर थी बात कर रहे थे, एक इसकी बात कर रहे हैं अपन लोग भूमध्य रेखा पर। तो इन्होंने क्या दिया, चार चीज़ें दी हैं आपको, ब्रुनेई दिया है, कोलंबिया दिया है, केन्या दिया है और वेनेजुएला दिया है, और इसका आंसर है दो और तीन। तो आप गौर से देखेंगे वेनेजुएला जो है कि दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर है आपको ऊपर की तरफ में, ठीक है, तो ये आपका भूमध्य रेखा पर नहीं है, करेक्ट, थोड़ा सा नीचे। अच्छा दूसरी बात, कोलंबिया कहाँ रहेगा, कोलंबिया रहेगा आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, कोलंबिया बीच में रहेगा आपका, यहाँ पे इक्वाडोर रहेगा आपका, यहाँ पे कोलंबिया रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा आपका, ब्राज़ील, यहाँ पे इक्वाडोर, यहाँ पे कोलंबिया, यहाँ पे ब्राज़ील, तो दक्षिण अमेरिका के तीन, दक्षिण अमेरिका के तीन प्रदेशों से आपकी गुजरती है, ठीक है ना। फिर अपन आएंगे तो मतलब कि कोलंबिया हमारा प्लस हो गया, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात, वेनेजुएला तो हमने क्रॉस कर ही दिया है क्योंकि ऊपर की तरफ में आपका वेनेजुएला है, ब्रुनेई आपको मिलेगा इंडोनेशिया के ऊपर की तरफ में आपको ब्रुनेई मिलेगा, तो वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि इंडोनेशिया के नीचे की तरफ से आपकी भूमध्य रेखा जाएगी। केन्या कहाँ मिलेगा अपने को, केन्या मिलेगा अफ्रीका में, केन्या क्या मिलेगा, सोमालिया, केन्या, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, गैवेना, ये अपने को कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे अपने को अफ्रीका में, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, ये नहीं का हमेशा ध्यान रखिएगा, सही सुमेलित नहीं है। कैनियन की बात कर रहे हैं तो नदी का प्रक्रम है, जब आपका जलप्रपात, जल ऊपर से गिरता है तो नीचे की तरफ में सबसे पहले क्या बनाता है, गार्ज कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, गार्ज। यही चीज बड़े पैमाने पे हो जाए, मतलब कि यहाँ पर यदि पानी भरा हुआ है, ये जो गड्ढा हो गया आपका जलप्रपात, जल प्रपात, ठीक है ना, जब नीचे की तरफ में जमीन को क्या कर दे, काट दे, तो इसको क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। यही चीज आपकी क्या हो जाए, बड़े पैमाने पे हो जाए, तो गार्ज का ही बड़ा रूप कहलाता है कैनियन, क्या कहते हैं, कैनियन, ठीक है। तो ये तो नदी का प्रक्रम है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग ज्यूजेन, ठीक है ना, ज्यूजेन, तो ज्यूजेन कभी आप देखना, ये एक्चुअली में निचालन की प्रक्रिया के द्वारा बनता है, जब ऊपर का जो है कि बारीक बारीक मृदा के कण निचालित होकर नीचे को समा जाएं, तो ज्यूजेन उभार के रूप में आते हैं। ज्यूजेन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, इस टाइप से, इस टाइप से, और ये आपके ज्यूजेन आपके भारत में देखें तो उत्तराखंड में आपके ऊपर की तरफ में जो आपका पानी निचालित होकर आता है वहाँ पर बहुत मिल जाएंगे अपने को। तो होता यूँ है कि यहाँ पर जो मिट्टी हल्की 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 जो थी वो क्या हो गई, निचालित होके क्या हो गई, नीचे की तरफ में आ गई, ठीक है कि नहीं। सॉरी सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा गलत बता दिया मैंने, ये वायु के द्वारा बनता है, जल के द्वारा नहीं, सॉरी, इसको आप लोग थोड़ा सा, ज्यूजेन वायु के द्वारा बनता है, इंसेलबर्ग भी जो कि आपकी वायु के द्वारा, हिमनद के द्वारा नहीं बनता, ये किसके द्वारा बनता है, वायु के प्रक्रम का है आपका, ठीक है ना, किसके प्रक्रम का है आपका, वायु के प्रक्रम का है। और मोरेन तो आपका सही है, इंसेलबर्ग कैसा होता है, लगभग लगभग उठा हुआ भाग है, कैसा भाग है ये आपका, पृथ्वी के तल से कैसा भाग है, उठा हुआ भाग है, एक पृथक चट्टानी या छोटा पर्वत कह सकते हो आप, सुगम ढाल आसपास के रूप में, थोड़ा सा मैदान से ऊपर की तरफ में, ठीक। तो जो मैंने वो आपका
ये वायु के द्वारा है, ये नदी के द्वारा है, और ये भी आपके इंसेल पर किसके द्वारा, वायु के द्वारा, तो हिमनद आपका कौन सा आंसर हो जाएगा जो सुमिलित नहीं है, वो आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस पर्वत में बहिर्वेदी, ये गलत लिखा गया, यहाँ पर आना चाहिए था बहिर्वेदी। बहिर्वेदी का मतलब है कि कोई भी जो ज्वालामुखी है वो कहाँ आ गया, बाहर निकल के आ जाए, ठीक है ना, तो बहिर्वेदी कहेंगे। तो इसका आंसर है कहाँ नहीं पाए जाते, हिमालय में। तो हिमालय में नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट के मध्य में अभिसरण है। अपसरण का मतलब होता है ऊपर को जाना, अभिसरण का मतलब होता है नीचे की तरफ में। इतना क्लियर हुआ आपको? ये जो यूरेशिया की प्लेट है और ये आपका कौन सी, हिमालय, नीचे की तरफ में कौन सी हमारी, ये हिमालय प्लेट। तो हिमालय प्लेट अभिसरित है, कैसी है आपकी, अभिसरित, मतलब कि ऊपर की जो प्लेट में क्या है, ये अपसरित है, अपसरण, और हमारी जो प्लेट है वो कैसी है आपकी, हिमालय वाली, अभिसरित। तो अभिसरित होने के कारण कहाँ गई वो आपकी, नीचे की तरफ में, करेक्ट। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ ज्वालामुखी होंगे तो हमें ऊपर को दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना, तल के ऊपर नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट सूची एक, सूची दो को हमें सुमेलित करना था, ज्वालामुखी पर्वत और हमें देश को एक्सप्लेन करना था, ठीक है ना। तो इसका आंसर है आपका बी, मैना कहाँ पर है आपका, फिलीपींस। फिलीपींस कहाँ मिलेगा अपने को, प्रशांत महासागर में, जो आप राइट साइड का कॉर्नर देखते हो, अपन लोग पूर्वी प्रशांत महासागर देखते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं। उसका फिर आपका माउंट सास्ता यूएसए में मिलेगा अपने को, ठीक है ना। चिम्बराजो क्लियर है अपने को, ठीक है ना, ये इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में मिलेगा अपने को, ओके। और माउंट हेक्ला आपका आइसलैंड में मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेल में उद्वलन क्या होता है। उद्वलन, उद्वलन का मतलब होता है ऊपर की ओर बलन पड़ना, नीचे से ऊपर की ओर बलन पड़ना, उसको हम उद्वलन बोलते हैं। जैसे कि मान के चलो कि जब बलन पड़ते हैं मोड़, ये ठीक, तो जो ऊपर का हिस्सा, ऊपर की तरफ जो मोड़ पड़ रहा है उसको अपन लोग बोलते हैं अपनति। क्या बोलते हैं, अपनति बोलते हैं, करेक्ट। और ये नीचे की तरफ जो बलन पड़ा उसको बोलते हैं हम लोग अभिनति। तो क्लियर हुआ आपको कि उद्बलन क्या है, एक्चुअली क्या है आपका, अपनति है, ओके। चलिए सॉरी, आयरलैंड में छोटी झीलों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है आपका, लाऊ कहा जाता है। कहाँ कहाँ पर क्या कहते हैं, देखो डाटा को, वॉक किसको बोलते हैं हम लोग, आर्द्र भूमि अधिकांश उत्तर पूर्वी यूएसए में, पश्चिमी साइबेरिया में, स्कैंडिनेवियाई देश और कनाडा में, क्या बोलते हैं छोटी झीलों को, वॉक कहा जाता है। क्रीक कहा जाता है आपको कहाँ पर, तो क्रीक मुख्यतः समुद्र तट या बड़े जल स्रोत के किनारे पाए जाते हैं। जैसे कि यदि आपको ध्यान हो कि हमारा गुजरात जो क्षेत्र है वहाँ पर सर क्रीक, जो हमारा पाकिस्तान से विवादित क्षेत्र है, तो सर क्रीक, क्रीक एक्चुअली क्या है, छोटी नदी, छोटा जलाशय, जो कि प्रायः कहाँ पर, समुद्र तट के बड़े जल स्रोत के किनारे पाए जाते हैं। तो क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट क्या है आपका, बुर्क। बुर्क अत्यंत छोटी जलधारा टाइप होती है, छोटी धारा, ठीक है ना, जो नदियों के साथ साथ क्रीक से भी छोटी होती है और उथली हुई जल क्षेत्र में होती है। क्रीक थोड़ा सा बड़ा है और ब्रुक क्या है आपका, थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रासायनिक अपक्षरण का एक प्रक्रिया नहीं है। अपक्षरण का क्या है आपका, एक प्रक्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण, कार्बनीकरण और विलयन, विलयन मतलब जल, ये रासायनिक प्रक्रिया के भाग हैं। और अपसलन जो है कि आपका नहीं है। तो अपसलन क्या होता है, अपसलन होता है चट्टानों की कमजोर परतों का मूल चट्टान से क्या होना, अलग हो जाना, ठीक है ना, क्या हो जाना, अलग, मतलब पतली पर जो कमजोर होंगी वो क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी। तो ये भौतिक अपक्षय के अंतर्गत आता है, करेक्ट, रासायनिक के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्वत शिखर हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है महाद्वीप से, तो कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पर्वत शिखर हैं। आंसर आपका है बी, किसी इसको कहाँ पर है, नंबर थर्ड आंसर है इसका, ऑस्ट्रेलिया में, करेक्ट।
इसके बाद मैकिनले कहाँ पर है आपका, ये आपका उत्तर अमेरिका, ये पर्वत शिखर। पिछली बार भी आपको ध्यान हो 2022 के एग्ज़ाम में भी पर्वत शिखर चोटी वगैरह पूछी गई थी, करेक्ट। एल्ब्रुस कहाँ पर है, यूरोप में है आपका। किलिमंजारो जाहिर सी बात है कि कहाँ पर है आपका, अफ्रीका में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, कोयला एक उदाहरण है, ठीक। तो किसका है, परतदार चट्टान। अच्छा एक चीज़ और दिमाग में रखिएगा, ये अवसादी चट्टान, परतदार चट्टाने, इसका खनिज तेल भी उसी का उदाहरण होता है, ओके। ये क्वेश्चन भी आपका आया था, कार्बोनिफेरस से परतदार चट्टानों में पाया जाता है, चार वर्ग के आपके कोयले होते हैं, एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का, उससे कम क्वालिटी बिटुमिन्स, फिर लिग्नाइट और पीट, ठीक है ना। बिटुमिन से हमारा कोयला है गोंडवाना युगीन संस्तरों में पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। तो गोंडवाना क्षेत्र हमारे नीचे का जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला पूरा क्षेत्र कौन सा है आपका, गोंडवाना क्षेत्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुटेनबर्ग असंबद्धता किसको अलग करती है। तो इसका आंसर मेंटल को कोर से अलग करती है। हमारी जो पृथ्वी है, ये वाला क्षेत्र क्या होगा, कोर हो गया, ये उसकी बाह्य कोर हो गई, ये कौन सा क्षेत्र हो गया, कोर, करेक्ट। ये क्या हो गया आपका, बाह्य कोर हो गया, ठीक है ना। बाह्य कोर के बाद फिर हम बना देते हैं मेंटल, बना देते हैं इसको मेंटल, बना लेते हैं मेंटल, ठीक है ना। मेंटल के बाद हम बनाते हैं क्रस्ट, बना लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये असंबद्धता जो है कि गुटेनबर्ग कहाँ, मेंटल और कोर के बीच, तो ये मेंटल और कोर के बीच में आपकी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग, तो गुटेनबर्ग असंबद्धता क्लियर है आपको, मेंटल और कोर के बीच पृथ्वी से 2900 किलोमीटर की गहराई, कितना किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। मोह असंबद्धता क्रस्ट और मेंटल के बीच में, मोह कहाँ पाई जाएगी, क्रस्ट और मेंटल, यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी, मोह, यहाँ क्या होगी आपकी, गुटेनबर्ग, कौन सी, गुटेनबर्ग, ओके। लेहमन कहाँ पाई जाएगी, ऊपरी कोर्ड और बाह्य कोर्ट के बीच में, मतलब ये आपका ऊपरी कोर्ट और बाह्य कोर्ट के बीच में क्या पाई जाएगी आपकी, लेहमन, ओके, ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची एक और सूची दो को हमें सम्मिलित करना है, कहाँ कहाँ पर ये ज्वालामुखी दे रखे हैं, पूरा बैसाल्ट क्षेत्र दे रखा, पूर्व नहीं होगा वो। इसका आंसर है आपका डी, गुबंदी सील्ड, ये ज्वालामुखी है और कहाँ पर पाया जाता है, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी और पाया जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी है, मोनोलोआ, कौन सा है आपका, मोनोलोआ, याद रखिएगा, ठीक। नैन मिश्र ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, मिश्र बोले तो सक्रिय भी पाए जाना, सुप्त भी पाए जाना, प्रसुप्त भी पाए जाना, फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस कौन सा सागर, मैंने बताया था आपको पूर्वी प्रशांत महासागर। फिर आपके ज्वालामुखी कुंड कहाँ पाए जाते हैं, इंडोनेशिया, और पूर्व बैसाल क्षेत्र हमारा भारत, भारत प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और पूरा जो है कि आपका ये वाला जो क्षेत्र जो है आपका पूरा ही बैसाल्ट क्षेत्र है, पूरा ही कैसा क्षेत्र है हमारा, बैसाल्ट, ओके, मतलब कि लावा का बना हुआ पठार है हमारा, जो प्रायद्वीपीय पूरा भारत है या पठार कहो आप उसको, ये किसके बना हुआ है, लावा के, ठीक। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सुमेलित नहीं है। तो टेलीग्राफ जो पठार हैं आपके वो कहाँ पर हैं आपके, अटलांटिक महासागर में, कहाँ पर हैं आपके, अटलांटिक महासागर में। कोको कटक, कोको कटक कहाँ पर है, प्रशांत में है, क्लियर है। कटक क्या होते हैं, इसे आसान भाषा में समझे तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि कटे हुए भाग, जो हमारी प्लेट्स हैं उनके क्या हुए भाग हैं, इस टाइप से कटे हुए मिल जाएंगे अपने को, ठीक है ना, इन्हीं को हम कटक बोलते हैं, ओके। वॉल्विस कटक, ये वॉल्विस अपने को कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा अपने को दक्षिण अमेरिका में, देखना आप लोग, यहाँ मिलेगा अपने को, ठीक है। यहाँ पर आपको हेलेना हेलिना खाड़ी मिलेगी, और यहाँ पे बॉलविस खाड़ी भी मिलेगी, ठीक है ना, नीचे की तरफ में, ये
यहाँ पे कौन सी खाड़ी मिल जाएगी अपने को? हेलेना, और यहाँ मिलेगा अपने को बॉलिबिस। चलिए नेक्स्ट की बात करें अपन लोग। कॉल्सवर्ग, कौन सा वर्ग? कॉल्सवर्ग कटक। कटक क्लियर हुआ आपको? कटक क्या होते हैं? पृथ्वी का क्या है आपका? कटा हुआ भाग। ठीक। रिज की अवस्थिति निम्नलिखित में से किस सागरीय में है आपको? तो कहाँ मिलेगी अपने को ये आपको? अरब सागर में। ठीक। कॉल्सवर्ग कटक भारतीय केंद्रीय कटक का उत्तरी हिस्सा है और अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट के मध्य में अपसारी। अपसारी आपको समझ में आता होगा, अपसारी मतलब कि अपसरण होना ऊपर की तरफ में। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग जल संधियों से संबंधित आपका क्वेश्चन है और क्या कह रहा है आपसे, सही उत्तर को अपन को चुनना है। सही उत्तर है आपका ए। तो बॉस जल संधि कहाँ पर है? आपको ध्यान होगा बॉस जल संधि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है आपका, यहाँ पर आपका तस्मानिया है और यहाँ पर क्या है आपकी? बॉस जल संधि है। ठीक। ओके। तो बॉस जल संधि आपका कहाँ गया? ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया के मध्य गया। डेविस कहाँ है? कनाडा ग्रीनलैंड के मध्य। बड़ी सी जल संधि आपको कनाडा ऊपर की तरफ में मिलेगा, यहाँ हडसन मिलेगा और यहाँ पर आपको ग्रीनलैंड मिलेगा, यहाँ बीच में आपको क्या मिल जाएगी? डेविस जल संधि मिलेगी। ठीक। डोवर कहाँ मिलेगी आपको? यूके और फ्रांस के बीच में मिल जाएगी। जब आप ऊपर से 0 डिग्री देशांतर को आप देखते हुए आएंगे तो नॉर्वेजियन, नॉर्वेजियन के नीचे आप यूके आएंगे तो राइट साइड में आपको क्या मिलेगी अपने को? डोवर मिलेगा। फ्लोरिडा जल संधि कहाँ मिलेगी? ये दक्षिण अमेरिका के ऊपर मतलब उत्तरी अमेरिका के नीचे की तरफ में, ठीक है ना, युकाटन जल संधि के पास में मिलेगी फ्लोरिडा, कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य। सॉरी सॉरी, ये यूएसए और क्यूबा। क्यूबा को कुछ स्पेशल बोलते हैं हम लोग, शुगर ऑफ वर्ल्ड, ध्यान रखना शक्कर का कटोरा। क्यूबा को क्या बोलते हैं अपन लोग? शक्कर का कटोरा। ठीक। निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? बाकी सब गर्म है तो सुशीमा जो है आपकी क्या नहीं है? ठंडी नहीं है। ठीक है। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60। मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कितना डिग्री? 40, 50 और 60 प्रचंड वेग की पछुआ हवाएं होती हैं। 40 पर उसको बोलते हैं हम गरजता 40, 50 पर हम उसको बोलते हैं भयंकर 50 और 60 पे हम उसको बोलते हैं चीखता 60। ठीक है। तो दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनों को, दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवने, ये एक्चुअली कौन सी पवने होती हैं? ध्यान रखिएगा ये एक्चुअली पछुआ पवने होती हैं। कौन सी होती हैं? पछुआ पवने होती हैं। ठीक। पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृप्त होता है? पृथ्वी का वायुमंडल किसके द्वारा तृप्त होता है? तो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। तृप्त का मतलब है तप्त होना, वो तप्त है, तृप्त गलत लिखा गया होगा। एक्चुअली क्या होता है पृथ्वी पर, सन का जो रेस आता है वो लघु वेव्स ग्रुप में आता है। कितना आता है? शॉर्ट विकिरण, शॉर्ट रेडिएशन के क्रम। ठीक। और यहां से जब ये लौटता है तो दीर्घ में लौटता है। कैसे लौटता है आपका? दीर्घ। ओके। अच्छा आपको क्लियर होगा कि ये हमारा क्या है? वायुमंडल है हमारा, क्षोभ सीमा। ओके। तो हमारा जब दीर्घ विकिरण लौट रहा होता है तो हमारा जो वायुमंडल है वो दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। और ये अवशोषण के कारण ही क्या होता है, हमारी पृथ्वी क्या हो जाती है? तप्त होती है। तो क्लियर हुआ आपको? सन से रेस कैसे प्राप्त होता है? लघु तरंग ढेर, लघु विकिरण के रूप में हमें प्राप्त होता है, और जब लौटता है, रिफ्लेक्ट होता है, तो दीर्घ के रूप में लौटता है। करेक्ट। नेक्स्ट, अश्व अक्षांश से विषुवत प्रदेश की ओर प्रवाहित, कहां से? अश्व अक्षांश से विषुवत, विषुवत कहां रहेगा अपने को? विषुवत रेखा ये है। अश्व अक्षांश कौन से? ये वाले, गरजता 40, 40 यहां पर, 40 यहां पर। तो अश्व अक्षांश से कहां रहे अपन लोग? विषुवत की ओर आना है। यहां भी आपको कहां आना है? विषुवत की ओर आना है। तो इन पवनों को मैंने बताया था 0 से 30 डिग्री के मध्य होती है व्यापारिक पवने। कौन सी पवने होती हैं? व्यापारिक पवने होती हैं। क्लियर हुआ आपको? कौन सी पवने होती हैं आपकी? व्यापारिक पवने होती हैं। ठीक।
अच्छा 40 से 66 तक कौन सा होता है? पछुआ पवने होती हैं, और उसके ऊपर कौन सी होती हैं? 66 से 90 तक ध्रुवीय पवने होती हैं। और ये आपकी कौन सी पवने हैं? सनातनी पवने कहते हैं इसको। डायरेक्शन क्लियर होगा क्या उसका आपको? नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग पवन और उसकी प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं अपन लोग। और निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, मतलब बाकी सुमेलित नहीं है? जैसे कि ध्रुवी के बारे में बात करें तो ये अभी मैंने बोला कि 3 पवने होती हैं, व्यापारिक होती हैं आपकी, पशुआ पवने होती हैं और ध्रुवी। ये कौन सी हैं? सनातनी पवने। सनातनी पवनों का मतलब हो गया आपका जो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र में स्थायी रूप से और उसी डायरेक्शन में प्रवाहित होती हैं, नियत होती हैं। ठीक, पछुआ पवने आपकी मानसूनी पवने हैं। नहीं मेरे भाई, ये भी कौन सी पवने हैं? सनातनी पवने ही हैं भाई, तो ये स्थानीय मानसूनी गलत है। फिर बोल रहे हैं स्थल समीर। स्थल समीर सामयिक है, इसको अपन बात करते हैं। फोन तथा चिनुक स्थाई, स्थानीय होना चाहिए, स्थाई गलत लिखा है, इसको करिए आप स्थानीय। ये कौन सी हैं? किसी विशेष स्थान, उत्तर अमेरिका के हैं आपके फोन चिनुक, किसी विशेष स्थान पर। सामयिक का मतलब है कि स्थल से समीर, स्थल समीर। तो आप देखिए ये आपका यदि जल है और ये आपका क्या है? आपका थल है। तो कहाँ की बात है? स्थल समीर, स्थल की ओर समीर कैसे जाएगी? तो ये दिन की अवधि होगी। कब होगी? दिन की अवधि, जब प्रकाश आपका सन का रहेगा तो ये जो थल का मामला क्या हो जाएगा? गर्म मामला हो जाएगा। और जब गर्म होगा तो हवाएं कहाँ जाएंगी? ऊपर की ओर उठेंगी। और यहाँ पर जो रेस आएगी तो लेकिन पानी में क्या हो जाएगा? ये नीचे की तरफ प्रवेश कर जाएगी। तो कंपैरिजन यदि हम करें तो यहाँ गर्म होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोल्ड मामला बन जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ की पवने कहाँ होंगी? यहाँ होंगी। ठीक है, अभिसरे। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? अपसरण। तो क्लियर हुआ मालूम आपको? इस साम्य के विशेष समय पर दिन की अवधि में ये और रात की अवधि में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम के बारे में। क्वेश्चन था आपका जेट स्ट्रीम का संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच होता है। बिल्कुल सही मामला है, 20 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश, इसको मध्य माला मान लें अपन लोग, 20 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के मध्य होता है। इसकी स्पीड रहती है लगभग 480 किलोमीटर प्रति घंटे दोनों गोलार्ध में। ठीक है ना। दूसरा क्या बोल रहे हैं कि जेट स्ट्रीम का प्रवाह मार्ग विसर्प तथा लहरदार। विसर्प का मतलब क्या हो गया? इस टाइप का। तो बिल्कुल सही बात है, इसी टाइप का होता है जेट स्ट्रीम के विस्तार में मौसमी परिवर्तन। तो बिल्कुल सही है, जेट स्ट्रीम के विस्तार में मौसम में क्या आता है? परिवर्तन आता है। तो तीनों ही कथन आपके क्या है? सही है। करेक्ट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं वो शीतोष्ण चक्रवात की तरह उष्ण चक्रवात में वर्षा और तापमान संबंधी भिन्नता नहीं होती, क्योंकि जाहिर सी बात है शीतोष्ण जो चक्रवात बनता है वो कहाँ बनता है आपका? ऊपर में। आपको कहाँ से कहाँ तक? आप भाई उष्ण कहाँ तक रहता है आपका? 30 तक रहेगा आपका। तो 30 से लेकर जब अपन ऊपर उपोष्ण की अवधि में 45 से ऊपर जाएंगे अपन लोग, कहाँ तक? 66 तक। ठीक है, ये हमारी कौन सी पट्टी आ जाएगी आपकी? शीतोष्ण वाली पट्टी। तो यहाँ पे पशुआ पवने क्या बनाएंगे आपकी? वाताग्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे आपको? वाताग्र। वाताग्र मैंने बताया था दो विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशियाँ जब किसी स्थान पर मिलती हैं तो उनका जो मध्य क्षेत्र होता है, ये वाला क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वाताग्र। अच्छा, उष्ण में क्या होगा? ये वाताग्र नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि ग्रीष्म काल में गर्म सागरों के ऊपर उठती हैं ये हवाएं। ठीक है ना। तो इनमें वाताग्र की अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर वर्षा और तापमान में क्या नहीं होती? भिन्नता ज्यादा अपने को देखने को नहीं मिलती। इसका आंसर क्या है? इसमें सही आंसर है वाताग्र अनुपस्थित होते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो सवाना आपको कहाँ मिलता है अपने को? अफ्रीका। तो उसकी विशेषता क्या है आपकी? निश्चित शुष्क होगी, आर्द्र ऋतु भी होगी। ऋतु कैसी होगी? ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी आपकी। तो सवाना को देखते हैं, सवाना प्रदेश की जो जलवायु है शुष्क आर्द्र ऋतु होती है। लगभग तापमान कितना है आपका?
20 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता, इससे ऊपर बना रहेगा। दैनिक तापांतर अधिक होगा, वर्षा ग्रीष्मकाल में, और शीत ऋतु कैसी हो जाएगी आपकी, बिल्कुल एकदम शुष्क, ठीक। ह्यूमिडिटी वहाँ पर नहीं होगी, लेकिन ग्रीष्मकाल में ह्यूमिडिटी जबरदस्त होगी, ग्रीष्मकाल में जो ह्यूमिडिटी होगी वो जबरदस्त होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहने चाह रहा है वो आप देखो। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मिले हैं, आप गौर से देखिए, पिछली बार शायद अर्जेंटीना वाला क्वेश्चन भी आया था आपको, जो कि मांस उत्पादन के लिए फेमस है, अर्जेंटीना में आपको ग्रीन चाको घास भी मिलेगी, और ब्यूनस आयर्स, ठीक है ना, वो भी मांस उत्पादन के लिए फेमस है, तो और दुग्ध उत्पादन के लिए भी आपका क्वेश्चन आया था आपको, ठीक है ना। तो ये कोशिश करिए कि इन क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। चलिए, क्या कहना चाह रहा है वो आपसे, निम्न में से कौन सा युग्म जो है कि मिलाना है अपने को, तो ये सभी सही हैं, रेशम वस्त्र उद्योग, राइन नदी घाटी। राइन नदी घाटी सबको पता होगा, ये मैं बता भी चुका हूँ कई बार कि ये आपकी भ्रंश घाटी है। क्या है? भ्रंश घाटी है। अच्छा, जर्मनी और फ्रांस की सीमा भी बनाती है, ध्यान रखिएगा आप, ये जो राइन नदी घाटी है जर्मनी और फ्रांस की सीमा भी बनाती है, ठीक है ना। अच्छा, फ्रांस में यहाँ पे पर्वत है आपका वॉसजेस, कौन सा पर्वत है? वॉसजेस, ठीक है ना। और जर्मनी में है आपका पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट है आपका? ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है ना। ये आपके कौन से हैं? आपके ब्लॉक माउंटेन है, ओके। और ये आपकी कौन सी घाटी में बैठती है? राइन नदी, भ्रंश घाटी में, चलिए याद रखिएगा, ठीक है ना। सूती वस्त्र उद्योग किसके लिए फेमस है आपका? माउंट जेस में फेमस है। गेहूं उत्पाद, पेरिस का जो बेसन है उत्तरी मैदान, तो आप ध्यान से देखिए कि लगभग 150 मीटर समतल से हाइट है पेरिस जो कि मैदान है, और अच्छा खासा मैदान है, तो गेहूं आपका बहुत अच्छा वहाँ पर उत्पादन हो जाता है। दक्षिणी फ्रांस जो है कि अंगूर की खेती के लिए फेमस है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, पूरा जो भूमध्य सागर क्षेत्र है एक खट्टे फलों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? खट्टे फलों के लिए स्पेशली है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है भूमध्य सागर जलवायु खट्टे फलों के लिए उपयुक्त तो जलवायु है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्या है? मलेशिया की जो आपकी किंटा घाटी है, ये आपका टिन उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है ना। यहाँ की जो गोपेन खान विश्व की सबसे बड़ी टिन उत्पादक खान है, ठीक। बेलफास्ट किसके लिए मशहूर है? तो ये आपका मशहूर है जहाज निर्माण के लिए मशहूर है। किसके लिए मशहूर है आपका? जहाज निर्माण के लिए मशहूर है। यहाँ पे आपसे क्या प्रश्न कर रहा है? वो आपसे कह रहा है सूची एक और सूची दो का आपको प्रयोग करना है और मिलान करना है, ठीक है ना। इसका आंसर है आपका पहला वाला, 3, 4, 2, 1। पेनिन श्रृंखला, पेनिस कहाँ पर है आपकी? ब्रिटेन में है, ठीक है। यूकाटन प्रायद्वीप, तो मैंने अभी बताया आपको कि उत्तर अमेरिका में आप नीचे की तरफ में मैक्सिको की खाड़ी के नीचे की तरफ आएगी जब आप, तो आपको एक यू टर्न जैसी इस टाइप की मिलेगी, यू टर्न, इसी को यूकाटन बोलते हैं, और इस टाइप से आपको मैक्सिको की खाड़ी मिल जाएगी, ठीक है ना। कभी आप देखिएगा ये, ठीक है ना, यहाँ मिलेगी आपको इस तरफ फ्लोरिडा होगा, ये आपकी क्या रहेगी आपको? यूकाटन, ये मिलेगा आपको मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, ठीक है कि नहीं। यहीं आपको शुगर ऑफ ऑयल क्यूबा भी मिल जाएगा जो शुगर के लिए फेमस है आपका। तो यूकाटन कहाँ आ गया आपका? मैक्सिको। कॉकपिट देश आपका कहाँ गया आपका? जमैका, ओके। और कॉज समूह कहाँ मिलेगा? कॉज से आपको मिलेगा अपने को फ्रांस में, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा आपका सुमिलित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा है आपका? सेरा मेद्रे डेल सुर, ये आपका कहाँ पर है? मैक्सिको, ठीक है ना। बाकी आपका ओरिनोको बेसिन कहाँ पर है आपका? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कहाँ मिलेगा अपने को? कोलंबिया, वेनेजुएला। कोलंबिया, वेनेजुएला कहाँ पर आपका? दक्षिण अमेरिका, ठीक है ना। अटाकामा मरुस्थल कहाँ मिलेगा? उत्तरी चिली, ये भी आपको कहाँ मिला? दक्षिण अमेरिका। और टोनले सैम झील आपकी कंबोडिया, तो ये आपको इंडोनेशिया के ऊपर थाईलैंड में, ठीक है ना। तो इसको आप शेयर करिए भाई, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग यदि इसको शेयर नहीं करें, क्वेश्चन आंसर है, आप उसको टैली करिए, बार बार इसको रिकॉल करिए और उसको शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं।